नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करूंगा सावन सोमवती अमावस्या की, जो कि 17 जुलाई को मनाई जाएगी। सोमवार को जब भी अमावस्या पड़ती है तो बहुत शुभ माना जाता है, और सावन के महीने में, क्योंकि सावन की जो अमावस्या होती है उसको कई लोग हरियाली अमावस्या के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस दिन लोग वृक्षारोपण करते हैं। पर्यावरण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, कि कोशिश की जाती है कि एनवायरनमेंट को प्रिजर्व किया जाए। जितना एनवायरनमेंट को आप प्रिजर्व करेंगे, जितना वृक्षारोपण करेंगे, वृक्षों को कटने से रोकेंगे, तो ना सिर्फ आपको क्लीन एयर मिलेगी, बाकी एनवायरनमेंट का भी प्रिजर्वेशन होता है। तो हरियाली अमावस्या के दिन अगर आप कोई उपाय करते हैं तो उसकी इफ़ेक्टिवनेस और बढ़ जाती है। और वैसे भी अमावस्या का दिन, जो अमावस्या की तिथि होती है, वो पितरों को समर्पित होती है। अगर कहीं पर भी आपकी पत्रिका के अंदर पितृ दोष बन रहा है, या पितरों से संबंधित आपको समस्या आ रही है, पितृ बार बार सपने में आ रहे हैं, बहुत से लोगों का फीडबैक आता है कि पितृ स्वप्न में आ रहे हैं, तो उसका क्या संकेत है, तो ये सब चीज़ें अगर हो रही हैं तो कहीं ना कहीं पितरों के लिए अगर आप कोई भी कर्म करते हैं तो उसका लाभ होगा। लाल किताब के हम बहुत सारे उपाय अलग अलग वीडियोस में आपके साथ शेयर करते रहते हैं, लेकिन होता क्या है ना कि उसके अंदर कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बहुत पत्रिका के बारे में पता हो तो उपाय अच्छे से किया जा सकता है। लेकिन जो ये फेस्टिवल्स आते हैं, हिंदू धर्म में इसीलिए सबसे बड़ी मान्यता है इन सब फेस्टिवल्स की, क्योंकि ये अलग अलग मौके होते हैं, अमावस्या तिथि हो, पूर्णिमा तिथि हो, या कोई और इम्पॉर्टेंट कोई भी पर्व हो, वो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप उसमें कुछ छोटे छोटे उपाय करके प्रभु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, प्रभु के साथ अपने आप को अलाइन कर सकते हैं। तो यही मौका है सावन सोमवती अमावस्या। भोले बाबा इस टाइम सृष्टि का कार्यभार भोले बाबा संभाल रहे हैं, भगवान विष्णु योग निद्रा में है। तो कुछ उपाय आज आपके लिए लेकर आया हूँ, ये उपाय अलग अलग हेतु के लिए हैं। पहले समझ लीजिएगा कि क्या उपाय हैं और किस तरह से करना है, और जिस तरह से बताया जाए बहुत सिंपल उपाय हैं, आप उसी तरह से करें। और जो जो मंत्रों का मैं उच्चारण बताता हूँ, उन मंत्रों का उच्चारण पूरा हृदय से करिए, पूरी श्रद्धा से। ये नहीं मैकेनिकल आपने मंत्र लिया, बहुत से लोग कहते हैं हम तो बड़े पढ़े लिखे हैं, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हम सब जानते हैं पंचाक्षर मंत्र क्या होता है, षडाक्षर क्या होता है। जानते तो आप बहुत कुछ होंगे, लेकिन मिला तो आपको तब भी कुछ नहीं, क्योंकि आपने कभी भी उसको श्रद्धा से नहीं किया, मैकेनिकल किया। अगर आपने मैकेनिकल ना किया होता तो किसी को क्रिटिसाइज भी नहीं करते वो। तो आपको क्या करना है, जो भी मंत्र आप बोलें पूरी श्रद्धा पूरी जान से, चाहे एक बार बोल दें, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इसको 108 बार बोलें। अगर सब जो जिस तरह से बता रहा हूँ वो बोलेंगे तो और ज़्यादा इफेक्टिव है, लेकिन कम से कम ऐसा हो कि श्रद्धा से पूरी जान लगाकर आपसे वो मंत्र निकल रहा है। सबसे पहला उपाय जो बता रहा हूँ, इससे पहले कि उपाय बताऊँ पंचांग भी बता दूँ। 16 जुलाई को रात 10:08 पर अमावस्या तिथि का प्रारंभ होगा, और ये चलेगी 18 जुलाई तक 12:01 दोपहर तक। अब उदया तिथि के हिसाब से अमावस्या तिथि 17 जुलाई को मनाई जाएगी। जितने भी उपाय करने हैं जो मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, वो सारे के सारे 17 जुलाई को करने हैं आपने। अब करना क्या है, सबसे पहला उपाय जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत लोगों की प्रॉब्लम है, और पत्रिका ना होने की वजह से या कन्फर्म ना होने की वजह से वो नहीं कर पाते, वो है कर्ज मुक्ति का। कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, कर्ज मुक्ति का कोई अवसर दिखाई ही नहीं दे रहा। तो उसके लिए सोमवती अमावस्या पर एक उपाय किया जाता है। आप क्या करेंगे, एक तांबे का लोटा ले लीजिए, उसके अंदर थोड़ा सा जल डालिए, उसके अंदर आपने 11 काले तिल के दाने डालने हैं, और उसके साथ थोड़ा सा शहद, एक ड्रॉप ही शहद डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं, शहद की शीशी नहीं उड़ेल देनी, एक ड्रॉप शहद डाल दीजिए उसके साथ। ये तीनों चीज़ें लेकर आप भगवान शिव के मंदिर में जाएं, जहाँ शिवलिंग है, वहाँ ऋण मुक्तेश्वर का स्मरण करते हुए, ऋण मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आप ये जो जल आप चढ़ा देंगे शिवलिंग के ऊपर, और एक मंत्र बोलना है, ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः, ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः। इस मंत्र का 11 बार जाप करें। ये 11 की संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, 11 जो है मास्टर नंबर भी माना जाता है न्यूमरोलॉजी में,
बहुत से लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि न्यूमरोलॉजी के वीडियोस भी लाएं। मैं कोशिश करूंगा, अगर समय मिला तो न्यूमरोलॉजी पे भी आपसे बात करेंगे। 11 होता है एक मास्टर नंबर। 11 जब भी 11 आ जाता है, यूजुअली हम क्या करते हैं, 11 को 1+1 करके 2 बना देते हैं, लेकिन मास्टर नंबर है 11, तो उसको हम लिखते हैं 11/2। उसका भी एक रेलेवेंस है। तो 11 जो काले तिल है, 11 काले तिल का प्रयोग करना है और 11 बार इस मंत्र का जाप करना है पूरे हृदय से। तो एक उपाय तो ये हो गया। अब कई लोग कहेंगे कि हम तो कर्ज की हमें कोई समस्या नहीं है, तो उनके लिए सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन जो मैंने ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः मंत्र बोला है आपको, उसकी जगह आप बोलेंगे ओम सोमेश्वराय नमः। इस मंत्र का 11 बार जाप करेंगे। ये धन प्राप्ति के लिए मंत्र, इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है जब आप धन प्राप्ति के लिए उत्सुक हैं, आपके मन में धन प्राप्ति की मनोकामना है, तो इस मंत्र का प्रयोग करें। ये पहला उपाय हो गया कर्ज मुक्ति के लिए या धन प्राप्ति के लिए। मंत्र अलग अलग हैं, डिस्क्रिप्शन में मंत्र डलवा दिए जाएंगे, आप उस मंत्र को वहां से आराम से सुन सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट उपाय दोस्तों, कितना भी कर लीजिए, अमावस्या तिथि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है पितरों के लिए कुछ कार्य करने के लिए। तो पितरों के लिए कार्य करने के लिए इस दिन आप अवसर ना खोएं। अगर आपको पितृदोष से संबंधित समस्या आ रही है तो बहुत सिंपल उपाय है, जैसे मैंने बताया आपको, तांबे का लोटा ले लीजिए, उसके अंदर जल डाल दीजिए, जल डालने के साथ साथ 11 तिल के दाने डाल दीजिए और इसको दक्षिण दिशा में देखते हुए इस तरह से आप फिर अपने पितरों का स्मरण करते हुए उन पे चढ़ा दीजिए और मंत्र बहुत सिंपल है, ओम पितृदेवताय नमः। इस मंत्र का जाप करिए। इस मंत्र का 11 बार जाप करना है। 11 नंबर को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट जाप है। 11 बार इसका जाप करते हुए ये जल चढ़ा दीजिए। ये सभी लोग कर सकते हैं, चाहे पितृदोष है या नहीं है, बहुत आसान उपाय है। ये दूसरा आपको उपाय बताया। अब जो तीसरा उपाय बताने जा रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए बहुत उपयुक्त रहेगा जिनके घर में गृह कलेश बहुत ज़्यादा रहता है, झगड़े बने रहते हैं, घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है। बहुत सारे संकेत भी मिलते हैं, चाहे घर वाले बीमार रहते हों या कोई प्रॉब्लम्स बार बार आ जाती हों, काम में अटकाव आता हो। बहुत आसान सा उपाय है, वैसा ही जैसा तांबे का लोटा आपने लिया था, वो तांबे का लोटा ले लीजिए, उसमें जल भर लीजिए, 11 तिल के दाने, काले तिल के दाने उसके अंदर डाल दीजिए। अब इस लोटे को दो जगह पर रख सकते हैं। अगर तो आपने अपने घर में मटका रखा है, जो घर का मटका होता है वो पितरों का स्थान माना जाता है, तो आप क्या कर सकते हैं, ये जल बनाकर आप उस मटके के सामने रख दीजिए 15 से 20 मिनट के लिए। अगर आप कहते हैं मटका तो हमने अपने घर में नहीं रखा हुआ, तो जो जल का स्तोत्र है, कोई भी जल का स्तोत्र, और कहीं अगर कहीं कुछ समझ नहीं आता तो अपनी रसोई में रख दीजिए 15 से 20 मिनट तक ये जल बनाकर। उसके बाद इस जल के लोटे को उठा लीजिए, किसी भी मंदिर में चले जाएं जहां भगवान शिव की का शिवलिंग है, वहां पर पितरेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए क्या मंत्र बोलना है, ओम पितरेश्वर महादेवाय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए 11 बार आप इस मंत्र का जाप करेंगे और इस जल को चढ़ा देंगे शिवलिंग के ऊपर। ये आपकी क्रिया पूरी हो गई। पितरों से संबंधित कोई समस्या आ रही है उसमें भी लाभ मिलेगा, घर की नेगेटिव एनर्जी जो है वो भी खत्म हो जाएगी। तो ये तीसरा उपाय किया जा सकता है। चौथा उपाय जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हर किसी को करना चाहिए, अमावस्या तिथि दान के लिए मानी जाती है, तो अमावस्या पर अपनी सामर्थ्य के अनुसार कोई भी चीज़ आप ले आइए, चाहे आटा ले आइए, जैसे सूखा अनाज होता है वो ले आइए, कुछ गरीब व्यक्तियों को आप भोजन कराना चाहते हैं वो कर लीजिए, जो भी आप करना चाहें। बहुत सारे इस टाइम कावड़ यात्रा चल रही है, अगर आपको पता चलता है कहीं पर किसी को सपोर्ट कर सकते हैं भोजन से, आप वो कर लीजिए, जो आपको कार्य अच्छा लगे वो दान अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूर करिए। और उसके साथ 11 काले तिल के दाने, जैसे मैंने 11 काले तिल आपको बताए हैं, वो 11 काले तिल के दाने वो भी उस व्यक्ति को दे दीजिए, ये एक कार्य करिए। और रात के समय पीपल के वृक्ष पर एक दीपक जला दीजिए, चाहे सरसों के तेल का जला दें चाहे तिल के तेल का, ये दो ऑप्शन है आपके पास। इसमें 11 तिल के दाने डालने हैं आपने,
रात के समय दीपक जलेगा, और आप दिशा की भी कोई बहुत ज़रूरत नहीं है, मगर बहुत ज़्यादा लोग कई बार पूछते हैं किस दिशा में होना चाहिए, तो दक्षिण दिशा में देखते हुए, क्योंकि दक्षिण दिशा जो है पितरों की दिशा मानी जाती है, आप वो दीपक जला दीजिए, तो ये अमावस्या के आपके उपाय कंप्लीट हो जाते हैं। ये जो 3-4 प्रॉब्लम मैंने कवर करी, पत्री की भी ज़रूरत नहीं, आप करेंगे लाभ ज़रूर होगा। और इसके अलावा भी मैंने अपने दूसरे चैनल पे एस्ट्रो गुरु विकास मल्होत्रा के नाम पर एक अलग से वीडियो भी शेयर किया हुआ है, उस पर वीडियोस रेगुलरली शेयर होते रहते हैं। आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब रखें, बेल बटन को ऑन रखें, नहीं तो होता क्या है कि कई बार हम वीडियोज़ उस पर अपलोड करते हैं, फिर आपका मिस हो जाता है या आपको देर से पता चलता है, तो पहले ही सब्सक्राइब रखिए उसको, ताकि समय पर नोटिफिकेशन आ जाए, वीडियो देखकर आप जो उपाय कर सकते हैं, जो आपके मतलब का बनता है वो उपाय करिए। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें, और भगवान शिव का कोई भी मंत्र, ओम सोमेश्वराय नमः, ओम नमः शिवाय, जो मंत्र आपको पसंद है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। भोले बाबा की आप पर असीम कृपा होगी, भोले बाबा के दरबार में जब भी आप हाजिरी लगाते हैं मंत्र से, तो भोले बाबा की आपको कृपा ज़रूर मिलती है। तो ज़रूर लिखिए मंत्र, और किसी भी तरह के कंसल्टेशन के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों, ओम नमः शिवाय।